एक और जहां तमाम देश की जो बड़ी पार्टियां हैं उसके उम्मीदवार नॉमिनेशन करें, तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड में इस बार वापस से JKLM पार्टी जो है वो टक्कर देने में लगी हुई है। फिलहाल सिंदरी से JKLM पार्टी से उषा देवी आज नॉमिनेशन करने के लिए यहां पर पहुंची हुई है। बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता है, जो उम्मीदवार है, उनमें जोश की कमी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इनमें काफ़ी ज़्यादा जोश है। एक और हम अगर बात करें दाना साइक्लोन की, तो दाना का काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो कोलकाता में देखने को मिल रहा है, नंदाद में उसके कम आसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार कैमरे से आपको दिखाना चाहिए कि सड़कों पर जो कार्यकर्ता है उनका हुजूम अभी लगा हुआ है। चलिए हम सीधा बातचीत करते हैं उषा देवी से, जानते हैं कि इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने आ रही हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जिस प्रकार से दो बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो उनके अगेंस्ट में, उसको कैसे वो टक्कर देने वाली हैं। हमारी पहले तो सिंदरी की जो फैक्ट्री के लिए आप देख रहे हैं, हमेशा आंदोलन होता रहता है। स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण और विस्थापितों का अभी तक जो भी मुआवजा राशि मिली जाए अभी तक नहीं मिली है। खुद मैं विस्थापित की एक बेटी रही हूँ, सिंदरी की जो हल फैक्ट्री उसमें खुद हमारी पूर्वजों की ज़मीनें गई हैं। तो हम लोग सभी सिंदरी पहले फर्स्ट है हमारा सिंदरी हल में, जितने भी स्थानीय गाँववासी है सभी को उनको रोजगार कैसे मिले, इसी यही मेरा फर्स्ट मुद्दा रहेगा। कई दिग्गज है वहाँ पे, दो दिग्गज है, ऐसे में जो है आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? ये दिग्गज तो बहुत आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिग्गज का सामना करना हमारा JKLM पार्टी ने सीखी है और हम लोग इसके लिए तत्पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी जनता हमें समर्थन करेगी और आगे विजय बनाएगी। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जयराम महतो की पार्टी से, JKLM पार्टी से, सिंदरी से उषा देवी ने आज यहाँ पर नॉमिनेशन किया है। जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो गलतियाँ हुई थी उसको ना दोहराते हुए विधानसभा चुनाव में एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, और एक एक करके उनके सारे उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। सिंदरी से आज उषा देवी ने यहाँ पर नॉमिनेशन किया। उन्होंने बताया कि विस्थापन के मुद्दे को लेकर और भी सिंदरी में जो रोजगार है, जो युवा जो है जो रोजगार के लिए पलायन हो रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर वो इस बार जनता के समक्ष आएंगे, और उम्मीद जताई कि जनता जो है इस बार उनको चुनेंगी। साफ तौर पर उनसे जब हमने ये भी सवाल पूछा कि जिस प्रकार से बड़ी पार्टियां जो हैं उनके अगेंस्ट में, उनको वो कैसे चुनौती देंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, विकास चाहती है, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें JKLM पार्टी दे सकती है। जनता का इस बार विश्वास है और वो विश्वास इस बार देखने को मिलेगा, और उस विश्वास पर ये खड़ा उतरेंगी। अब इस तरह के लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे न्यूज़ पोस्ट के साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।